फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं EFT। आज हम लोग चिकन करी बनाने जा रहे हैं और चिकन करी इलाहाबाद स्टाइल बनाने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही इजी होती है। तो देखते हैं इसे हम EFT स्टाइल में आसानी से कैसे बना सकते हैं। करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया 750 ग्राम चिकन, प्याज, टमाटर, मिर्च, लहसुन की कलियाँ और अदरक कटे हुए, कुछ पीसे मसाले, खड़े मसाले, सभी की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्याज को चॉप कर लिया है, बाकी सभी मसालों को चॉप कर लिया है और ये हमारे कुछ खड़े मसाले हैं, इनकी भी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हमें काफ़ी देर तक पकाना है क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है, अगर इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे तो ये बाद में खाने में कच्चा लगेगा। तेल हमारा पक चुका है, अब इस पके हुए तेल में हम अपने जो प्याज हमने चॉप किया था उसको इसमें डाल देंगे और सारी प्याज को डालने के बाद हमें इसे कुछ देर तक फ्राई करना है। ध्यान रहे इसे हमें जलाना नहीं है, हमें प्याज को सिर्फ शैलो फ्राई करना है क्योंकि हमें ग्रेवी स्मूथ रखनी है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा प्याज अब लगभग लगभग पक चुका है और अब इस प्याज में हम अपने बाकी के सारे मसाले जैसे कि लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें सभी इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। और थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद हम इसमें जो हमारा चिकन है उसे भी ऐड कर देंगे। सारे चिकन को ऐड करने के बाद हमें इसे थोड़ी देर तक स्टर करना है और चिकन को स्टर तब तक करना है जब तक उसका सारा कलर चेंज ना हो जाए, मतलब ये रेड कलर से इसका कलर वाइट हो जाना चाहिए। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं चिकन के अंदर का जो सारा मॉइस्चर है वो सूख जाएगा। उसके बाद जैसे ही इसमें चिकन हमारा कलर चेंज कर दे उसके बाद इसमें हमें सॉल्ट डाल देना है और बाकी सारे अपने पीसे मसाले जैसे कि टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और हमारा लाल मिर्च पाउडर, सभी को डालने के बाद हमें फिर से थोड़ी देर तक स्टर करना है और स्टर करने के बाद हमें इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं। टमाटर को भी थोड़ी देर तक मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल देना है क्योंकि अभी इसमें पानी नहीं है, सारे मसाले सूख चुके हैं, इसलिए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और जिससे तली में मसाले चिपके नहीं और सभी अच्छे से मिक्स भी हो जाए। और पानी डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा फिर से स्टर करना है और लिड क्लोज़ कर देनी है। हमें लिड कम से कम 15 मिनट के लिए क्लोज़ करनी है। मैं आपको बता दूं कि 15 मिनट के बीच में मैंने इसे एक से दो बार चलाया भी था और एक से दो बार चलाने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे मसाले लगभग लगभग गल चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा भूनने के बाद पानी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर से इसे अच्छे से भूनेंगे। ये चिकन बनाने का मेन प्रोसेस है और इसमें मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी यूज़ किया है जो कि मैंने घर में ही पीसा था। और गरम मसाला मिलाने के बाद अब इसे भूनना शुरू करेंगे। जैसे कि हमारे घर में बताया जाता है कि चिकन बनाने का या मटन बनाने का जो मेन सीक्रेट होता है वो उसको भूनने में होता है। जब तक आप चिकन और मटन को अच्छे से भूनेंगे नहीं, उसके अंदर की जो बिसाइन है वो जब तक जाएगा नहीं, तब तक चिकन का असली स्वाद आपको आएगा नहीं। इसलिए चिकन बनाने का या मटन बनाने का जो मेन सीक्रेट है वो है इसमें मसाले, प्याज और सब कुछ डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से भूनना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी भून रहा है। अब अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा पानी भी और डालूंगा और पानी डालने के बाद ये आप देख रहे हैं मसाले लगभग भून चुके हैं। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी ऐड कर दूंगा और पानी ऐड करने के बाद मैं इसका लिड क्लोज़ कर दूंगा। लिड बहुत देर तक क्लोज़ नहीं करना है क्योंकि चिकन बहुत जल्दी पक जाता है और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसका लिड क्लोज़ करेंगे और इसे लिड क्लोज़ करके पकाएंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं 5 से 7 मिनट बाद ये पूरी तरीके से पक चुका है। इस पर हम थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड कर देंगे और ध्यान रखें कोरिएंडर को सिर्फ ऊपर न डालें, इस समय चिकन गर्म है। कोरिएंडर को हल्का सा मिक्स कर दें चिकन के साथ, जैसे क्या होता है कोरिएंडर की जो वो फ्रेग्रेंस होता है वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाता है जो चिकन के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, हमारा चिकन बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं कैसे ऑयल इसमें सेपरेट हो गया है और ग्रेवी की क्वांटिटी भी आप देख रहे हैं, ग्रेवी इससे ज़्यादा हमें नहीं रखनी है और हमारे यहाँ तो इतनी ग्रेवी रखी जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है चावल या रोटी के साथ खाने में। अब इसे हम अच्छे तरीके से सर्व करेंगे। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और आप जैसे कि देख रहे हैं देखने में भी काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। सो इसे आप अपने घर में बनाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए और
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे होम, स्टे सेफ.